कौन वो हसीना थी जिसके प्यार में आप पागल हुए हैं और 200 किलो से 75 किलो पर आ गए? बस एक वो हमारी क्लासमेट ही थी। हमारी का फ्रेंडशिप होगी नॉर्मली जैसे क्लास में होती है, वो उससे मेरी थोड़ी ज्यादा मतलब अटैचमेंट बढ़ने लगी। मुझे काफी अच्छी लगने लग गई कि मुझे लगा कि यार ये मेरी लाइफ पार्टनर भी होनी चाहिए, लेकिन वो इतना ज्यादा ना मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। तो जब मैंने उसको कहा कि मुझे आप प्यारी लगती हैं, आप मुझे अच्छी लगती हैं, तो उसने आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं किया मुझे। उसने फुल इग्नोर करना मुझे, ना मेरे साथ बाहर घूमने फिरने जाना, ना आउटिंग पे जाना, ना कहीं बातचीत करनी। तो उस टाइम फिर मेरा दिल थोड़ा सा ना टूट गया। लड़की काफी प्यारी थी, उसकी आईज वो बहुत प्यारी थी। मैंने जब उसे प्रपोज किया ना कि मतलब मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो उसने मुझे ये कहा कि जब हम बाजार में जाएंगे, मैं आपके साथ चलूंगी, तो हम बाप बेटी लगेंगे। आपकी एज इतनी ज्यादा मुझसे बड़ी लग रही है और आप इतने हेल्दी हो, मोटे हो, तो बड़े अजीब से लगोगे आप मेरे साथ। तो उस टाइम फिर मेरा दिल भी टूटा और फिर मुझे लगा कि यार अब मुझे कुछ करना चाहिए। यूनिवर्सिटी जाना मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा मैं अब तब भी जाऊंगा जब मैं चेंज होकर उसे दिखाऊंगा कि मैंने भी मतलब खुद को चेंज किया। 6 मंथ बाद यूनिवर्सिटी गया ना, तो उस टाइम उसने देखा, पहले तो उसे मैं पहचाना ही नहीं गया क्योंकि मैं काफी ज्यादा लुक की पूरी चेंज हो गई ना। उसने मुझे देखा है, मुझे कहती है वाओ बड़े आप तो अच्छे लग रहे हो, बड़े गुड लुकिंग लग रहे हो। वो शॉक्ड होगी कि यार तुम हो? मैंने कहा हां जी मैं ही हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से आपका मेजबान मुताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं उकाड़ा के शहर में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जिनका 200 किलो वेट था और अब उन्होंने 75 केजी अपना वेट कर लिया। आखिर इस तमाम जर्नी के पीछे क्या कहानी थी? 200 किलो से लेकर 75 किलो तक का सफर इन्होंने कैसे तय किया है, किस तरह सब मैनेज किया है, ये कहानी जानते हैं इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। पहले अस्सलाम, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। तो काफी मुश्किल था मेरे लिए वजन, क्योंकि मेरा 200 केजी हो गया था, तो इसको कम करना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था। तो काफी ज्यादा मुझे इसमें मेहनत करनी पड़ी। पहले मुझे ये बताएं कि बचपन से आप मोटे थे या पहले स्लिम थे, फिर मोटे हुए या फिर स्लिम हो गए? बचपन में इतना ज्यादा, क्योंकि घर में हमारा जो है ना खाना पीना इस तरह का था, कुछ देसी चीजें हम बहुत ज्यादा खाते थे, तो बचपन से थोड़ा हेल्दी होते होते फिर मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ तो काफी ज्यादा हेल्दी हो गया। अच्छा, तो किस तरह आपको एकदम ही ख्याल आया कि पतला होना है, इसके पीछे कहानी क्या है वो बताओ? कहानी तो बस कुछ इस तरह ही है कि मैं यूनिवर्सिटी जब एडमिशन मैंने लिया, तो यूनिवर्सिटी मैंने स्टार्ट कर दी, तो मैंने जाना फिर क्योंकि मैं पैंट शर्ट वगैरह यूज़ नहीं कर सकता था क्योंकि वो मेरे साइज़ की ना मिलती नहीं होती थी। तो जब मैंने जाना तो वो फिर साइज़ की मिलती नहीं थी, तो मैंने कपड़ों में जाना तो मुझे बड़ा अजीब सा फील होना। वहाँ पर लड़कियाँ आ रही हैं और लड़कों ने अच्छी ड्रेसिंग की होनी थी, तो मैं सिंपल वही गाँव की तरह मतलब जैसे सादा लिबास पहन के जाना, तो वो मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा फील होने लग गया कि यार ये मुझे भी खुद को कुछ चेंज करना चाहिए। तो फिर मैंने उससे जो है ना लोगों को जब मैंने देखा कि यार ये इतना अच्छा कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ करना चाहिए, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद फिर थोड़ा बस आगे फ्रेंडशिप वगैरह का सिलसिला चलने लग गया। तो काफी इस तरह फिर जो है आगे एक दोस्त। कौन वो हसीना थी जिसके प्यार में आप पागल हुए हैं और 200 किलो से 75 किलो पर आ गए? बस एक वो हमारी क्लासमेट ही थी। हमारी का फ्रेंडशिप होगी नॉर्मली जैसे क्लास में होती है, लेकिन मुझे फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे शुरू से बताएं कि कैसे नजर मिली, कहाँ देखा उसको, किस तरह हुआ वो बताओ, शुरू से बताओ। उसमें ये हुआ कि जब मतलब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई ना, तो हम जाने लगे, हमारी एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग मतलब सारे जैसे दोस्तों में होती है होने लगी, बातचीत होती रही, तो वो उससे मेरी थोड़ी ज़्यादा मतलब अटैचमेंट बढ़ने लगी। मुझे काफ़ी अच्छी लगने लग गई कि मुझे लगा कि यार ये मेरी लाइफ पार्टनर भी होनी चाहिए, और मुझे मतलब वो काफ़ी प्यारी लगने लगी, लेकिन वो इतना ज़्यादा ना मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार मुझे कुछ करना चाहिए। तो जब मैंने उसको कहा कि मुझे आप प्यारी लगती हैं, आप मुझे अच्छी लगती हैं, तो उसने आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं किया मुझे, कि बंदा होता ही है ना कि कुछ आगे से बातचीत करता है, लेकिन वो आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मुझे करती थी। उस टाइम उसने फुल इग्नोर करना मुझे, ना मेरे साथ बाहर घूमने फिरने जाना, ना आउटिंग पे जाना, ना कहीं बातचीत करनी। तो एक दिन मैंने प्रपोज किया उसे कि मतलब मुझे आप अच्छी लगती हैं और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी लाइफ पार्टनर बने, लेकिन उसने मुझे इनकार कर दिया, कहती है कि आप इतने हेल्दी हो, जब आप मेरे साथ चलोगे तो बहुत बूढ़े लगोगे, तो मैं तो आपके साथ फिट ही नहीं हूँ, हमारा तो कपल अच्छा ही नहीं लगेगा। तो उस टाइम फिर मेरा दिल थोड़ा सा ना टूट गया। तो वो लड़की प्यारी थी, खूबसूरत?
हाँ जी, लड़की प्यारी, लड़की काफी प्यारी थी, प्यारी तो मुझे बहुत प्यारी लगती थी। क्या ऐसी चीज अट्रैक्ट की आपको वो बताओ? उसकी आईज, वो बहुत प्यारी थी, उसका एटीट्यूड मुझे मतलब वो बहुत प्यारी लगती थी। ऐसे उसके क्या अल्फाज थे कि जो आपके दिल पर लगे और आपने उसको सीरियसली ले लिया? मैंने जब उसे प्रपोज किया ना कि मतलब मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो उसने मुझे ये कहा कि जब हम बाजार में जाएंगे, मैं आपके साथ चलूंगी, तो हम बाप बेटी लगेंगे, आपकी एज इतनी ज़्यादा मुझसे बड़ी लग रही है और आप इतने हेल्दी हो, मोटे हो, तो बड़े अजीब से लगोगे आप मेरे साथ। तो उस टाइम फिर मेरा दिल भी टूटा और फिर मुझे लगा कि यार अब मुझे कुछ करना चाहिए। दिल जुड़ गया? नहीं, दिल तो नहीं जुड़ा, बाकी ये है कि मैंने खुद को चेंज कर लिया। अच्छा, जब उसने आपको ये अल्फाज कहे थे उस टाइम क्या फील हुआ था? फील मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ और मुझे लगा कि यार वाकई मुझे कुछ अपनी पर्सनैलिटी के लिए चेंज करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी जाना मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा मैं अब तब भी जाऊँगा जब मैं चेंज होकर उसे दिखाऊँगा कि मैंने भी मतलब खुद को चेंज किया। तो मैं 4-5 मंथ तक यूनिवर्सिटी बिल्कुल ही नहीं गया, मैंने जाना ही छोड़ दिया यूनिवर्सिटी। तो फिर उसके बाद जब मैं 5-6 मंथ के बाद यूनिवर्सिटी दोबारा गया हूँ, तो उस टाइम क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टोटली लुक ही चेंज हो चुकी थी, क्योंकि 200 के कितने देर में आपने वेट कम? मुझे तकरीबन 5-6 मंथ लग गए थे चेंज कर, मतलब खुद में चेंज लाने में। काफ़ी मुझे जो है फिर डाइट शाइट करनी पड़ गई अपनी, एक्सरसाइज मैंने की, जिम की, काफ़ी हार्ड वर्क मैंने, फिर खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया जाए, जहाँ पे मैं दिन में 4-4 रोटियाँ खा जाता था, एक टाइम में मैं खा लेता होता था घर में, क्योंकि मुझे हर टाइम सिर्फ खाने से होता था, मतलब मुझे और कुछ नहीं होता था। तो फिर मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया, मैंने घर वालों को भी कहा कि आपने मुझे कुछ भी नहीं खाने को देना है। तो बस वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है 5-6 मंथ में अपने आप को चेंज कर लिया था। इस लड़की से पहले आपको किसी ने डिग्रेड किया था आपके मोटापे के हवाले से? नहीं, इसके अलावा दोस्त वगैरह तो मजाक अक्सर करते रहते थे, जैसे कि अब हम दोस्त हैं बाइक्स पे जाना, तो उन्होंने कहना कि यार अगर आप हमारी बाइक पे बैठोगे तो हमारी बाइक का जो है टायर पंक्चर हो जाएगा, उसकी हब वगैरह टूट जाएगी। फिर जब आप अपने आप को चेंज करके यूनिवर्सिटी गए, तब क्या हुआ उसके बाद? तकरीबन 6 मंथ बाद यूनिवर्सिटी गया ना, तो उस टाइम उसने देखा, पहले तो उसे मैं पहचाना ही नहीं गया, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लुक की पूरी चेंज हो गई ना, पहले इतना ज़्यादा हेल्दी और एज भी बहुत ज़्यादा मेरी लगती थी। तो जब उसने मुझे देखा तो उसको पहले तो पहचान ही नहीं हुई। फिर उसके बाद जब मतलब हम बैठे हैं वहाँ पे कैंटीन वगैरह में, तो उसने मुझे देखा है, मुझे कहती है वाह बड़े आप तो अच्छे लग रहे हो, बड़े गुड लुकिंग लग रहे हो। तो फिर वो खुद थोड़ा सा मेरी तरफ माइल होने लगी, लेकिन मैंने कहा नहीं यार इसने पहले अब मेरा दिल तोड़ा है, तो अब ये तो फिर वो दिखावे वाली मोहब्बत हुई ना, अब तो फिर ये मेरी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो रही है, फिर दिल की बात हो ना हो। आपको पहचाना था या किसी दोस्त ने बताया कि वही लड़का है, या आपने खुद उसको जाके बताया? मतलब हम सारे दोस्त ग्रुप में बैठे थे, मैं भी आके बैठा, तो सब दोस्तों ने कहा कि ये वही अली रिजवान ही है। तो वो शॉक्ड होगी कि यार तुम हो? मैंने कहा हाँ जी मैं ही हूँ। उसने आपसे दोबारा? हाँ जी, मेरे साथ व्हाट्सएप पे बात करने लगी, कहती नहीं मैं तो उस टाइम आपसे मजाक करती थी, ऐसी बात नहीं है, आप दोस्त हो ऐसे उसे। मैंने कहा नहीं यार ठीक है, हम दोस्त की हद तक ही रहेंगे, मैं भी उस टाइम मजाक ही कर रहा था, मुझे भी आपसे कोई प्यार श्यार नहीं है। मैंने भी फिर इस चीज़ को ना मजाक में ही डाल दिया। तो अब किस तरह आपने कम किया है इसको, क्या चीज़ आपने ज़्यादा एक्सरसाइज कौन सी की है? वेट में मैं डाइट काफ़ी ज़्यादा करता रहा हूँ, डाइट में मतलब खाने पीने में मैंने जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होती थी वो कम यूज़ की हैं चीज़ें, उसमें दलिया वगैरह यूज़ कर लेता था, ब्राउन ब्रेड यूज़ कर लेता था, और खाता पीता मतलब अपनी रूटीन सही कर ली, जिम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कर लेता था, और मॉर्निंग वॉक तकरीबन मैं 1 घंटा मॉर्निंग वॉक और 1 घंटा इवनिंग वॉक करता होता था, 5-6 किलोमीटर वो मैं वॉक डेली करता था, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई। पहले क्या वेस्ट थी आपकी और अब क्या वेस्ट? मेरी वेस्ट तकरीबन 48 तक तो थी, इसी वजह से तो कोई साइज़ की मुझे पैंट नहीं मिलती होती थी उस टाइम, और ना कोई पैंट शर्ट में पहनता कभी भी नहीं, मैंने जितनी देर हो गई है पैंट शर्ट पहनी नहीं, क्योंकि मेरे साइज़ की मिलती नहीं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वेस्ट जो है वो 34 तक आ गई है। मिल जाते हैं? हाँ जी, अब इजीली, अब तो मर्जी से ले लो। हाँ जी, जहाँ से मर्जी जो है अब तो हर बाइक पे बैठाते हैं अब तो बिल्कुल। हाँ जी, अब तो 3-3 बैठ जाते हैं, पहले तो मैं अकेले से मुश्किल होता था। बाकी लड़कियों से इतना ही कहूँगा कि आप बंदे के जज्बात देखें ना कि उसकी पर्सनैलिटी देखें, उससे इम्प्रेस हो, फिर पर्सनैलिटी तो वो कभी भी चेंज हो सकती है, लेकिन जज्बात होते हैं, एहसास होते हैं, वो देखने चाहिए, तो इंसान कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये भाई ने उस लड़की के एकदम वक्त बदल दिए थे, जज्बात बदल दिए थे, ऐसे ही है पूरा, यही सीन था।
तो ये हमारे सामने जिंदा मिसाल बैठी हुई है, 200 किलो से इन्होंने अपना वेट 75 किलो तक लेकर आए हैं। तो अगर ये कर सकते हैं तो आप तमाम लोग भी कर सकते हैं, और लड़कियों के सामने भी मिसाल ही है उस लड़की के लिए भी। अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दें, अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान दें। तो मुझे इजाज़त दें, लीडर टीवी देखते रहें, अल्लाह हाफिज़।